हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात, मुशायरा नात का इस वक्त 1 बजे के वक्त से गुजर रहा है। आप हजरात अपने शोरा इकराम को सुन रहे हैं। आप कैसे सुन रहे हैं मुझे उसका एहसास है। इससे पहले कि मैं जनाब मुमताज खासपुरी, जनाब सैयद शजर मकनपुरी आपसे मुलाकात करें, मैं आपका 1 मिनट वक्त ले रहा हूं। जो हजरात पिंडाल के बाहर, अगर आप वाकई इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं तो अपना हाथ उठाकर कह दें या हुसैन। 9 तारीख का दिन गुजरने के बाद शब आशूर आती है और हजरत इमाम हुसैन अपने खीमे में अपने आमान अंसार और घर वालों को लेकर एक मीटिंग करते हैं। गौर से सुन लें, जो लोग बाहर आवाज कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी एनर्जी जाये न करें, खामोश रहें। अगर बोलना है तो कहीं और जाकर के बोलेंगे। शब आशूर है, इमाम हुसैन ने मीटिंग तलब किया और मीटिंग तलब करने के बाद आपने अपने चाहने वालों से कहा, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून से जब अपनी प्यास बुझा लेंगे तो इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसलिए मेरी तरफ से गुजारिश है, आप लोग अगर जाना चाहें तो चले जाएं। जितने जानिसार से, जितने चाहने वाले थे, जितने आमानो अंसार थे, हुसैन पाक ने कहा अगर जाना चाहें तो चले जाएं, लेकिन कोई भी हुसैन का चाहने वाला टस से मस न हुआ। आपने फरमाया कि खेमे में चिराग जल रहा है, चिराग की रोशनी में लोग जाते हुए शर्म का एहसास कर रहे हैं, इसलिए चिराग बुझा दिया जाए। तवज्जो से सुन लें, खेमे का चिराग बुझा दिया गया। थोड़ी देर के बाद जब दोबारा चिराग जलाया गया तो जाने की बात तो दूर की है, किसी चाहने वाले ने अपना पहलू भी तब्दील नहीं किया था। ये हुसैन के चाहने वाले हैं और एक आप हुसैन के चाहने वाले हुसैन के नाम पर आए हैं। ऐसा लगता है कि गाजी मियां के मेले में आए हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने हुसैन के नाम पर एक मरतबा हाथ उठाकर और बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। अब 4 मिसरा सुनने के, कभी खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, कभी खुलूस की गहराई से नहीं मिलते। जो झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को। जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को। जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। आप इकट्ठा हैं अपने हुसैन के नाम पर पूरी मोहब्बत के साथ। हमारे पास 2 शायर बचे हैं, एक जनाबे मुमताज खासपुरी और दूसरे पूरे हिंदुस्तान नहीं आलम इस्लाम के एक मोतबर शायर जनाबे सैयद शजर मकनपुरी। मैं गुजारिश करता हूं जनाबे मुमताज खासपुरी से वो तशरीफ लाएं, और अल्लाह ने उन्हें वो हुनर दिया है कि अगर वो कब्रस्तान में नात पढ़ दें तो मुर्दे भी सुभान अल्लाह कहने लगते हैं। आप तो माशाल्लाह जिंदा हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं आपसे मुलाकात करें। जनाब मुमताज खासपुरी को अल्लाह ने वो मकबूलियत दी है कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, माशाल्लाह एक मरतबा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। सोनी के पप्पू साहब ने 10,000 रुपए रजा मस्जिद की तामीर के लिए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम आफात अर्जी और समावी से इनकी हिफाजत फरमाए। बुलंद आवाज से कह दें आमीन। एक साहब दुआ कर रहे थे, या अल्लाह इस साल ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हज को चले जाएं। तो जितने दौलतमंद थे वो आमीन नहीं कहे, तो उन्होंने पूछा कि हुजूर ने दुआ किया, आप लोगों ने आमीन क्यों नहीं कहा? तो सेठ लोगों ने कहा कि हम इस साल नहीं अगले साल जाना चाहते। इसलिए आप जब कोई दुआ करें तो आमीन कह दें, हो सकता है उस आमीन के सदके में अल्लाह आपको दौलतमंद बना दे। सोनी के पप्पू साहब ने 10,000 की खतीर रकम दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से कह दें आमीन। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मुमताज खासपुरी आपसे मुलाकात। एक बार और अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह रब्बुल मोहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौशाद भाई ने आज अब बैंड लगा दिया, माइक मत निकालिएगा। मुमताज भाई लिमरा एजेंसी, अच्छी बात है। आप शायरों को सोशल मीडिया के जरिए पूरे आलम इस्लाम से लॉन्च कर चले, ये बहुत बड़ी बात है। आज किसी का भी नाम लिखो यूट्यूब पर लिमरा एजेंसी में तो आपको मिल ही जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। मिम्बर नूर पर खताबर शख्सियतें जलवा बार, मैं सबकी दुआएं शामिल हाल करता हूं। और सबसे पहले मैं चाहूंगा मोहतरम हमारे बड़े बुजुर्ग हैं मोहतरम इरफान चेयरमैन साहब, इनसे मैं इल्तिमास करता हूं कि मैं नाते पाक का मतलब पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मस्जिद की तामीर के लिए कम से कम आप 25,000 रुपए यहां इनायत करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यहां हो जाता हूं जब तक आएगा नहीं तब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। 25,000 ये जिम्मेदारी में, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो बराए करम तशरीफ लाएं, और जो मैंने कहा है अगर उसको इनायत करेंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। खैर अभी वो थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं। मैं मोहतरम अहमद हसन अंसारी साहब नवापुर वाले जो हैं उनसे मैं 50,000 की डिमांड करता हूँ कि वो आए। सोच रहे होंगे मुमताज आए हैं तो बस 25,000 50,000, लेकिन एक इल्तिमास है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बराए करम आप ज्यादा से ज्यादा तआवुन करें ताकि जो मस्जिद का काम बाकी है वो पूरा हो। अगर वो हैं तो वो इनायत करें। और मोहतरम तौसीफ अहमद साहब उनसे भी मैं 50,000 के लिए डिमांड करता हूँ, ये हमारे सिन्नर वाले हैं। मोहतरम रफीक मुनीम जी, ये हमारे इनसे मैं कम से कम 5,000 रुपए के लिए कहता हूँ कि 5,000 कम से कम इनायत करें यहाँ पर। ये अलग बात है कि थोड़ी देर बाद वो ला करके दें, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर अमल कर लेंगे तो इस बच्चे के लिए बड़ी बात हो जाएगी। ये अलग बात है कि आप 10 मिनट के बाद आएँ, आधे घंटे के बाद आएँ, मुझे ना दें डॉक्टर साहब के हाथ में आप दें, लेकिन ये बड़ी बात हो जाएगी। अगर वहाँ तक पहुँच जाएगा, कमेटी के मेम्बरान तक पहुँच जाएगा, मेरी बात रख ली जाएगी, मैं अपने आप को उस तरह समझूँगा। नाते पाक का खूबसूरत मसला पहुँचाऊँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलायजा करें। अगर लगे कि 4 मिसरों को सुनने के बाद आपका दिल बेदार हो जाए तो पूरा मजमा कहेगा या उसे मैं नाते पाक के शेर पढ़ूँगा, लेकिन पहले ये शेर सुन लें और मुझे दुआएं दे, दोनों हाथों को उठा के दीवार बोल दो या रसूलल्लाह। माशाल्लाह इल्तिफातगंज वाले ऐसे तो नहीं बोलते, माहौल बना दो मेरे भाई, यहाँ से ऐसा लगे कि अभी मुशायरा शुरू हो गया। दोनों हाथों को ले जाके बोल दो या रसूलल्लाह, और गलती से बोल दो या रसूलल्लाह, और छोड़ के बोल दो या रसूलल्लाह। हासिल करता हूँ सुने, दिल मचल जाए तो मुझे दुआएं दें, शाने काबा के लिए, शाने काबा के लिए, शाने काबा के लिए, काबे का काबा छोड़कर, शाने काबा के लिए, शाने काबा के लिए, जहां जहां तक हजरत तशरीफ रखने बा जमाने मुमताज खास को मुलाहिजा करें, शाने काबा के लिए, काबे का काबा छोड़कर, चल दिए शब्बीर नाना का मदीना छोड़कर, शाने काबा के लिए, काबे का काबा छोड़कर, चल दिए शब्बीर नाना का मदीना छोड़कर, करबला का जर्रा जर्रा, करबला का जर्रा जर्रा, करबला का जर्रा जर्रा कांप उठा उस घड़ी जब सकीना ने कहा मत जाओ बाबा छोड़कर, जब सकीना ने कहा मत जाओ बाबा छोड़कर, करबला का जर्रा जर्रा कांप उठा उस घड़ी जब सकीना ने कहा मत जाओ बाबा छोड़कर। नाते पाक का खूबसूरत मतला आपकी पाकीज़ा समाते सरे शाम से मैं खूबसूरत लहजा खूबसूरत तरन्नुम मेरे कानों तक आया, मैं बड़े पशु देश में था कि मुमताज तुम कहाँ से शुरू करोगे, इतना खूबसूरत लोग पढ़ पढ़ के जा रहे हैं तुम शुरू कहाँ से करोगे। तो जो जहन में आया है आपके दिल को छूता हुआ, आपके दिल से लगता हुआ ये खूबसूरत मतला नाते पाक, पहले नाते पाक इंशाअल्लाह रहमान, उसके बाद मैं मतलब के शेर पर जाऊँगा। सुनिएगा मैं पढ़ता हूँ, भैया आवाज़ खोल दो, ये जो सामने ये जो दोनों साउंड है इसकी आवाज़ खोल दो, यहाँ यहाँ सुनाई पड़ना चाहिए और तेज सुनाई पड़ना चाहिए, इसकी आवाज़ आप बढ़ा दें, बाकी बाहर के अगर साउंड की आवाज़ कम कर देंगे तो कोई दुश्वारी नहीं, क्योंकि बाहर इतने आदमी नहीं है जितना यहाँ पिंडाल में बैठे हुए हैं। ये जिम्मेदारी बनती है, मैं पहुँचाता हूँ पेश के मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में, दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के दिमाग बोल दो या रसूलल्लाह। नौशाद भाई क्लोजअप में मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें।
सारे जग मां, 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 जग मां, जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, जग मां, जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, जग मां, जग मां, सारे जग मां भइलो जियार नबी के आने से, सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां भइलो जियार नबी के आने से, 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 सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां भइलो जियार नबी के आने से। दोनों हाथों को आपने लगा के बोले या रसूल अल्लाह। माइक की आवाज पर जाएंगे कि अपने कल्ब की दीवानगी पे जाएंगे? पूरी दीवानगी के साथ बोलते या रसूल अल्लाह। सारे जग मां, सारे जग मां, राजू भाई और तमाम वॉलंटियर हजरात नजर नहीं आ रहे, कहां चले गए? मैं फिर से पढ़ता हूं। सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, जग मां, जग मां, सारे जग मां भइलो जियार नबी के आने से, 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 सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां भइलो जियार नबी के आने से। जब मीना के घर मां, जब मीना के घर मां महबूब खुदा के आए, जब मीना के घर मां महबूब खुदा के आए, आलम में सगरो जानबो रहमत के बादल छाए, आलम में सगरो जानबो रहमत के बादल छाए, पड़ी रिम झिमो, पड़ी रिम झिमो, पड़ी रिम झिम रिम झिम रिम झिमो, पड़ी रिम झिमो, पड़ी रिम झिमो, पड़ी रिम झिम रिम झिम रिम झिमो, पड़ी रिम झिम खूब फुहार नबी के आने से, पड़ी रिम झिमो, पड़ी रिम झिमो, पड़ी रिम झिम खूब फुहार नबी के आने से, 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 सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां भइलो जियार नबी के आने से। और ये खूबसूरत बंद मैं पहुंचाता हूँ, पूरे मजमे से दुआएं चाहता हूँ, बस ऐसे ही सुने। दोनों हाथों को लहरा के दीवानों बोल दो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, माइक की आवाज जैसी भी है वो उनके मामला, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब मैं शेर पढ़ूंगा, शेर पढ़ूंगा, माइक जैसा भी है वो उनके मामला। भाई मैं हाजिर करता हूँ, दोनों हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां भइलो जियार नबी के आने से। कहती थी हलीमा दाई, कहती थी हलीमा दाई, अच्छे दिन मेरे आए, कहती थी हलीमा दाई, अच्छे दिन मेरे आए, अल्लाह ने मुझ मुफलिस के आंसुए भाग जगाए, अल्लाह ने मुझ मुफलिस के आंसुए भाग जगाए, मेरा चमका, मेरा चमका, मेरा चमका, 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 मेरा चमका, मेरा चमका, मेरा चमका, 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 मेरा चमका है घरवार नबी के आने से, मेरा चमका,
मेरे भाई मैं पढ़ता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती। कसम खुदा की जो हमारे बाहर से शुरा है वो क्या तसरात लेके जाएंगे बताओ, क्या कहेंगे अपने यहाँ जाके। इल्तिफात दिन गए थे, ऐसे सुन रहे थे वहाँ के लोग, शिकायत मुझसे होगी, दोनों हाथों को लहरा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और बुलंदी से बोलते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत मैं उसको भी थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, ये वाला माइक हाँ मैं पहुँचाता हूँ, आप बोलते हैं या रसूल अल्लाह, आप बोलते हैं या रसूल अल्लाह। सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां, जग मां, जग मां, सारे जग मां भैलो जिया नबी के आने से, नबी के आने से। अब इस जगह कोई बटन, डोंट टच, ओनली लिसन। पहुंचाता हूं लहजा गए। सारे जग मां, सारे जग मां, सारे जग मां भैलो जिया नबी के आने से। दोबारा पढ़ता हूँ पूरी जिंदगी के साथ, आप दोबारा या रसूल अल्लाह की सना बुलंद करेंगे, बुलंद करेंगे ना दोनों हाथों को लहरा के। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन नहीं बुलंद करेगा। हाँ सब बुलंद करने वाले, पहुंचाता हूँ। कहती की हलीमा दाई, कहती की हलीमा दाई, अच्छे दिन मेरे मेरा चमका है घर बार नबी के आने से। मेरा चमका है घर बार नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से। और इसी मंजर में क्या सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, कमकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा। सारे जग मां भैलो जिया नबी के आने से, सारे जग मां भैलो जिया नबी के आने से। तारीख के मंजर में ये भी शेर मुलाजा करें, पुत्र अब्दुल्लाह भाई का नाम लो, सब मेरे बड़े हैं जहां भी हैं, अगर वो एक बार यहां डाइस तक आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं अपने घर में अपने इल्तिफात दिन में घूम रहा हूँ। मैं पहुंचाता हूँ मुलाजा करें। पूजे हेलो कुतुबा शैबा, पूजे हेलो कुतुबा शैबा, चलता था जिनका सिक्का, पूजे हेलो कुतुबा शैबा, चलता था जिनका सिक्का, जब बदर में टकराए वो कोई भी बच ना पाया, जब बदर में टकराए वो कोई भी बच ना पाया, सभी मारे गए सरदार नबी के आने से, सभी मारे गए सरदार नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के
आने से सारे जगमा भैरू जिया नबी के आने से। और बस सकता यह खूबसूरत में बल पहुंचाता, बस मेरा मकसद था कि थोड़ा सा आप बेदाग हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके का इस्तेमाल किया। मैं पहुंचाता हूँ और घुमाए जाऊंगा। हाँ वो आएगा, मैं पहुंचाता हूँ। मेरी माँ बहने मुझे सुन रही, मैं जानता हूँ, मुझे जरूर यहाँ तक चलता इजाजत करेगी। मैं पहुंचाता हूँ, दुआएं चाहूंगा। सारे जगमा, अगर हो सके तो मास्टर भाई खोल दे मेरे भाई, कंजूसी मत कर, खोल दे और आवाज खोल दे मेरे भाई। सारे जगमा भाई नबी के आने से। मचल के बोल दे या रसूल अल्लाह, और बुलंदी से दीवानों झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं पहुंचाता हूं, फिर से पढ़ता हूं और दुआएं चाहूंगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं हाजिर करता हूं, मुलायजा करें। सारे जगमा भैलू जिया नबी के आने से। मुमताजून का दामन होगा बेड़ा पार नबी के आने से। तेरा होगा बेड़ा पार नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से, नबी के आने से। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।